शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। वर्तमान में पूरे विश्व में जिस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और बवाल मचा हुआ है, वो है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी रहना। और हो भी क्यों ना, दोनों देशों के युद्ध ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला के जो रख दिया है, और इसका सबसे ज्यादा असर विश्व में खाद्यान्न की कीमतों पर पड़ा है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव खाने की चीजों पर हुआ है। सभी खाने की चीजें महंगी हुई हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब सबसे पहले कच्चा तेल और नेचुरल गैस के दाम सातवें आसमान पर चढ़े थे और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ा था। जो भी चीजें रूस और यूक्रेन से आयात की जाती थी, उन सब के दाम आज पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। इनमें सूरजमुखी तेल तिलन, खाद, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, गेहूँ आदि शामिल हैं। इन उत्पादों में से गेहूँ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं की ही खपत की जाती है। रूस और यूक्रेन दोनों मिलकर दुनिया में गेहूं की एक तिहाई की सप्लाई की हिस्सेदारी रखते हैं। यूं तो गेहूं भारत में भी ज्यादा होता है, लेकिन भारत की जनसंख्या दोनों देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, इसलिए भारत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता और यह दोनों देश ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। जब रूस और यूक्रेन में युद्ध के चलते गेहूं की सप्लाई नहीं हो पाई, तो सभी देशों ने भारत के गेहूं की ओर रुख किया, और करते भी क्यों ना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश जो ठहरा। जब भारतीय गेहूं की डिमांड बढ़ने लगी और गेहूं की वैश्विक कीमतों में तेजी आने लगी, तो भारत सरकार ने भी इसका समर्थन किया और व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि गेहूं निर्यात करने का सुनहरा मौका है। जब सरकार ने ही प्रोत्साहन दिया, तो व्यापारियों ने भी जमकर गेहूं का निर्यात किया। व्यापारियों ने गेहूं का निर्यात करने के लिए किसानों से उनकी उपज मंडी में लाने से पहले ही खरीदनी शुरू कर दी थी। फिर किसानों ने अपना गेहूं मंडियों में रोक रोक कर लाना शुरू किया। इससे गेहूं की कीमतों में जोरदार वृद्धि हुई। व्यापारियों ने तो गेहूं खरीद लिया, लेकिन गेहूं की सरकारी खरीद पिछड़ गई। सरकार गेहूं का भंडारण नहीं बना पाई। वहीं भारत से गेहूं का निर्यात जोरदार हो रहा था, लेकिन यह अनियंत्रित तरीके से हो रहा था। यानी कि निर्यात मात्रा कितनी होनी चाहिए जिससे अपने भारत देश में इसकी सप्लाई अच्छी बनी रहे और जनता को बढ़ती कीमतों का सामना ना करना पड़े, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। इस पर सरकार का ध्यान तब गया जब गेहूं की कीमत ज्यादा बढ़ने से गेहूं के आटे के भी दाम बढ़ने लगे। और इसी बीच एक खबर आई कि मौसम में हुए बदलाव के चलते 2021-22 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले कम रह सकता है। गर्म हवाओं के चलते गेहूं के उत्पादन में कमी आ सकती है। वैसे तो गेहूं उत्पादन का शुरुआती अनुमान 11.1 करोड़ टन का था, लेकिन नया अनुमान 10.6 करोड़ टन का है। ऐसी स्थिति में सरकार को गेहूं पर कुछ न कुछ निर्णय लेना था, तो सरकार ने भारत की जनता को राहत देने के लिए गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया। भारत सरकार ने यह बैन 14 मई को लगाया था। भारत ने यह बैन इसलिए लगाया था क्योंकि इस बार चिलचिलाती गर्मी से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ है और पिछले वर्ष के मुकाबले कम रह सकता है। दूसरा, भारत से गेहूं का निर्यात जिस हिसाब से हो रहा था, उससे भारत में गेहूं की कीमतें और बढ़ सकती थी और इसकी किल्लत भी हो सकती थी, क्योंकि व्यापारियों ने इसकी भारी मात्रा में खरीद कर स्टॉक भी कर लिया था। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाते समय भारत ने यह भी कहा था कि जिन देशों के सौदे 13 मई से पहले के हो रखे हैं, उनको उनकी सप्लाई दी जाएगी और जरूरतमंद देशों को भी सप्लाई जारी रहेगी। जैसे ही भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया, बाकी देशों में इसके दाम बढ़ गए। सभी देशों ने भारत से गेहूं निर्यात से प्रतिबंध हटाने के लिए भी कहा, लेकिन इस दौरान गेहूं की कीमतों में ज्यादा गिरावट नहीं आई थी, क्योंकि व्यापारियों ने ज्यादा कीमत देकर गेहूं की खरीदारी की थी और वे
कम दाम पर बेचने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए गेहूं के दाम भारत में ज़्यादा नहीं गिरे। लेकिन भारत ने गेहूं निर्यात से प्रतिबंध भी हटाया और 4,69,202 टन गेहूं के शिपमेंट की अनुमति दी। गौर करने वाली बात यह है कि भारत से कुछ गेहूं के जाने के बाद भी विभिन्न बंदरगाहों पर कम से कम 1.7 मिलियन टन का गेहूं है, जिसका मानसून की बारिश से खराब होने का खतरा है। प्रतिबंध से पहले निर्यातकों ने असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में बंदरगाहों पर गेहूं पहुंचा दिया था, क्योंकि तब फसल के मजबूत होने की उम्मीद थी और सरकार उन्हें यूक्रेन में युद्ध के कारण काला सागर से आपूर्ति नहीं होने के कारण ज्यादा डिमांड और कम आपूर्ति से पैदा हुए अंतर को भरने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। डीलरों के अनुसार गेहूं को बंदरगाहों से बाहर और शहरों में स्थानीय खपत के लिए ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि व्यापारियों को लोडिंग और परिवहन शुल्क पर अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ता, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती। इसके बाद भारत को गेहूं की कमी का सामना कर रहे कई देशों से 1.5 मिलियन टन से अधिक गेहूं की आपूर्ति करने के अनुरोध प्राप्त भी हुए और भारत ने गेहूं निर्यात भी किया। लेकिन इसी बीच तुर्की ने भारत का गेहूं वापस लौटा दिया। तुर्की ने रूबेला वायरस का हवाला देकर भारत के 56,887 टन गेहूं की खेप वापस लौटा दी है। यह गेहूं भारत की ITC ने जिनेवा की कंपनी को बेचा था, जिससे तुर्की ने खरीद की। तुर्की द्वारा गुणवत्ता की चिंताओं की वजह से भारतीय गेहूं की खेप को नहीं लेने की खबरों के बीच खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि सरकार ने इस मसले पर तुर्की के अधिकारियों से विवरण मांगा है। उन्होंने कहा कि संबंधित निर्यातक ITC लिमिटेड ने दावा किया है कि 56,887 टन की निर्यात खेप को सभी जरूरी मंजूरियां प्राप्त थी। भारतीय गेहूं को वायरस प्रभावित कह तुर्की खुद भी फंसता दिख रहा है। रूबेला मानव जनित रोग है, इसका गेहूं को प्रभावित करने का सवाल ही नहीं उठता है। बीमारी फसलों में पाई ही नहीं जाती, ये आयात करने वाले देशों में कॉरपोरेट प्रतिद्वंदिता के कारण भी हो सकता है। रूबेला जैसी बीमारी के भारतीय गेहूं में होने की बात अचरज पैदा करती है। ऐसी कोई बीमारी भारतीय गेहूं के संदर्भ में ज्ञात नहीं है। भारत सरकार को तुर्की से जांच की पूरी रिपोर्ट मांगनी चाहिए। भारत दुनिया का बड़ा निर्यातक भी नहीं है, वह अपनी खपत के लिए ज़्यादातर गेहूं का उपयोग ही करता है। ऐसे में बीमारी की संभावना नहीं है। तुर्की लंबे अरसे से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है। वहीं कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से तुर्की भारत की कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मुखालफत कर चुका है। भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस के आरोप चिंताजनक हो सकते हैं। रूबेला की चिंताओं पर तुर्की का भारतीय गेहूं को वापस लौटाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग को प्रभावित कर सकता है। इससे देश और विदेश में गेहूं की कीमतों में कमी भी आ सकती है। भारतीय गेहूं के निर्यात से जुड़े मामलों में अब एक नया मोड़ आया है। अब अफ्रीकी देश मिस्र ने करीब 55,000 टन गेहूं को अपने यहाँ एंट्री देने से मना कर दिया। मूल रूप से इस गेहूं को तुर्की जाना था। रॉयटर्स ने मिस्र के प्लांट क्वारंटीन चीफ अहमद अल अत्तर के हवाले से खबर दी है कि 55,000 टन गेहूं को लेकर आ रहे जहाज को मिस्र में प्रवेश करने से पहले ही मना कर दिया गया। वहीं तुर्की क्वारंटीन अथॉरिटीज पहले ही इस जहाज के आने पर रोक लगा चुकी हैं। तुर्की ने भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस पाए जाने की शिकायत को लेकर इस खेप को लेने से मना कर दिया था। उसके बाद इसे मिस्र भेज दिया गया। हालांकि तुर्की को भेजी गई गेहूं की खेप सीधे भारत से निर्यात नहीं की गई थी। इसे भारतीय कंपनी ITC लिमिटेड ने नीदरलैंड स्थित एक कंपनी को बेच दिया था। उसके बाद ये तुर्की पहुंचा था। बाद में खबर आई कि इस खेप को मिस्र के एक व्यापारी ने खरीदा है और जहाज अब गेहूं को लेकर इस अफ्रीकी देश की ओर रवाना हो गया है। अब रॉयटर्स ने खबर दी है कि मिस्र ने भी इस गेहूं को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है। एक अलग खबर में भारत सरकार ने पुष्टि की है कि वह मिस्र को गेहूं का निर्यात करने के लिए कस्टम क्लियरेंस मिलने का इंतजार करेगा। मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश है। मई में ही मिस्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री अली मोसेली ने भारत से 5,00,000 टन गेहूं सीधे खरीदने की डील की थी। ये डील सामान्य टेंडर प्रक्रिया से अलग होनी थी।
लेकिन इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इससे पहले अप्रैल में मिस्र के कृषि मंत्रालय ने भारत से गेहूं के आयात को अनुमति दे दी थी। पहले तुर्की और फिर मिस्र, एक तरफ तो कई देश भारतीय गेहूं को लेने से मना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी कई लाख टन गेहूं के निर्यात ऑर्डर्स को रोक दिया है। सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए भेजी गई सभी एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया है। डीजीएफटी ने 15 लाख टन गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए आवेदन खारिज कर दिए हैं। एक खबर के मुताबिक सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने की प्रोसेस को थोड़ा कड़ा कर दिया है। इसके लिए कई चरण की स्क्रूटनी प्रोसेस लागू की गई ताकि केवल उन्हीं निर्यात ऑर्डर्स के लिए एलसी जारी हो जो सरकार के मई महीने में गेहूं निर्यात पर लगाए गए बैन के नियमों के अनुकूल हों। खबर के मुताबिक सरकार ऑर्डर्स की स्क्रूटनी करने वाली दो सदस्यीय आंतरिक कमेटी की मदद के लिए एक एक्सपर्ट को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। ये बाहरी एक्सपर्ट एक एक्स बैंकर होगा जिसके पास एलसीज के लिए काम करने का अनुभव होगा। इससे प्रक्रिया को कड़ा बनाने में मदद मिलेगी। अभी तक देश से 14 लाख टन गेहूं निर्यात के ऑर्डर्स पास हुए हैं, जबकि खारिज किए गए ऑर्डर्स इससे कहीं ज़्यादा मात्रा के हैं। इतना ही नहीं, अभी भी कई ऑर्डर्स एप्लीकेशन स्क्रूटनी की प्रोसेस में हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि जो लोग पुरानी डेट के एप्लीकेशन या फर्जी दस्तावेज दिखाकर निर्यात करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच गेहूं के निर्यात को रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनातनी जारी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया में बढ़ रही गेहूं की कीमत के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूसी मालवाही जहाज माल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बार बार कहे जाने के बावजूद पश्चिमी देश खाद्यान्न आपूर्ति के लिए प्रतिबंध हटाने को तैयार नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन के बंदरगाहों पर खाद्यान्न लदे जहाजों को रोके जाने के आरोपों से इनकार किया है और कहा कि पश्चिमी देशों को रूस से समस्या है तो वे बेलारूस पर लगे प्रतिबंध हटाकर वहां से यूक्रेन के गेहूं की आपूर्ति शुरू करा सकते हैं, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन से गेहूं की आपूर्ति ना होने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने खाद्यान्न और उर्वरक आपूर्ति में बना गतिरोध जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। वहीं ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भी रूस और यूक्रेन से गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। उन्होंने गेहूं को हथियार ना बनाए जाने की अपील की है। विदित हो कि रूस और यूक्रेन गेहूं के बड़े निर्यातक देश हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के चलते रूस गेहूं की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है और यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जे और काला सागर में रूसी सेना की नाकेबंदी से यूक्रेनी गेहूं का भी निर्यात नहीं हो पा रहा है। इन सब के बीच अब सवाल यह उठता है कि गेहूं में अब आगे क्या होगा? गेहूं में आगे तेजी आएगी या फिर मंदी? तो मार्केट टाइम्स टीवी ने केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया से गेहूं के ऊपर बातचीत की और उनका गेहूं पर कहना है कि भारत की गेहूं में पोजीशन कंफर्ट जोन में रही है। ऐसा नहीं था कि भारत में गेहूं की किल्लत देखने को मिली हो, लेकिन जिस हिसाब से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चालू हुई सबकी नज़रें भारतीय गेहूं के निर्यात पर ही टिकी थीं। भारत ने खुले हाथ से गेहूं का निर्यात भी किया, लेकिन फिर जब मौसम में बदलाव आया और हीट वेव की स्थिति पैदा हुई तो इसका असर गेहूं के उत्पादन पर भी देखने को मिला और गेहूं के उत्पादन अनुमान में कटौती भी की गई। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने गेहूं का निर्यात रोकने का कदम उठाया था जिससे भारत में गेहूं की सप्लाई बराबर बनी रहे। लेकिन भारत सरकार ने साथ में ये भी कहा था कि जिन देशों को गेहूं की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी भारत सरकार उनको निर्यात जारी भी रखेगी। सरकार ने यह कदम मानवीय आधार पर उठाया है। भारत सरकार के इस कदम से विश्व भर में भारत की अहमियत और ज़्यादा बढ़ेगी। अजय केडिया ने मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से एक इंटरव्यू के दौरान पहले भी कहा था कि गेहूं की कीमतें 2100 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगी, तो वहीं ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए 2600 से ऊपर भी नहीं जाएंगी
और ठीक वैसा होता दिख भी रहा है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।